ंग फाइन और आंसर करने वाली हूँ द मोट आस्ट क्वेश्चन आफ्टर माई प्रीवियस स्किन केयर वीडियो तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर किया था आप लोगों के साथ में मैं लिंक कर दूंगी आप जरूर चेकआउट करना उस वीडियो को तो जैसे कि आप लोग जानते हो मैं एक ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप हूँ एंड आई हैव डेल्ट विद माय ऑफ एक्ने बट इस टाइम पे मेरे फेस पे कोई भी एक्ने नहीं है एंड माय स्किन केयर रूटीन हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन अचीविंग दिस रिजल्ट मेरे स्किन केयर रूटीन का जो सबसे पहला स्टेप था वो था सैलिस एसिड क्लेंजर और मुझे इतने सारे क्वेश्चन आए थे कि कौन सा सैलिस्टिक एसिड क्लेंजर यूज करें कितनी बार यूज करें कैसे यूज करें कब यूज करें लाइक सो मेनी क्वेश्चन है उसी के साथ साथ मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे ब्लाइंड पिंपल हो रहे हैं ब्लैक हेड्स हो रहे हैं टेक्सचर है स्किन पे एक्ने है बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन है बेसिकली ऑयली स्किन से रिलेटेड मुझे काफी सारे क्वेश्चन आए थे तो अगर आप लोग भी बिगिनर हो और इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके अभी ही स्किन केयर की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो सो so आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू तो इट ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे नाउ विदाउट एनी फर्दर ब्लैबरिंग लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू द वीडियो तो जब भी कोई मुझे डीएम या कमेंट करके पूछता है कोई भी प्रॉब्लम चाहे वो एक्ने एक्क हेड हो या ब्लाइंड पिंपल्स हो जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट और प्रोडक्ट मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए बोलती हूँ वो होता है सैलिसलिक एसिड क्लेंजर नाउ उसके पीछे एक रीजन है दैट इज बिकॉज सैलिसलिक एसिड इज अ वेरी वेरी गुड इंग्रेडिएंट अगर आप ऑयली स्किन टाइप हो तो इट विल बी अ ब्लेसिंग टू योर स्किन और एंड क्लेंजर मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो ना तो सीरम बुट कम लाइक अ लिटिल स्ट्रॉगर ऑन योर स्किन और जो क्लेंजर होते हैं वो स्टिल थोड़े जेंटल होंगे आपकी स्किन पे बिकॉज एनी वेज यू आर वॉशिंग ऑफ द क्लेंजर सीरम इज लाइक स्टेइंग ऑन योर स्किन तो अगर आपकी भी एक्ने प्रोन स्किन है आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है या फिर ब्लाइंड पिम्पल्स हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए एक सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर और एंड अगर आप बिगिनर हो ना तो आई हैव जस्ट द राइट प्रोडक्ट फॉर यू एंड इट इज दिस प्लम का सैलिसिलिक एसिड फोमिंग फेस वॉश एंड ट्रस्ट मी आई हैव बीन यूजिंग दिस फेस वॉश फॉर द पास्ट वन वीक ऑन माई स्किन एंड माई ब्रदर्स स्किन बोथ बिकॉज हम दोनों ही ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप है और मैं आज आप लोगों को इस प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ कि ये एक वुमेन स्किन और एक मैन स्किन पर कैसे वर्क कर रहा है एंड आई विल टेल यू एवरी थिंग इन डिटेल अबाउट दिस प्रोडक्ट एज वेल एसिकेनरल तो सबसे पहले जो ये इसके जो क्लेम्स है उसकी बात कर लेते हैं नाउ इट क्लेम्स टू भी हंड्रेड परसेंट वीगन क्रूल फ्री पैरबिन फ्री एफ डी ए अप्रूव स्टेबिलिटी टेस्टेड एंड इट से सो दैट इज लाइक अमेजिंग क्लेम्स एंड इट इज परफेक्ट चाहे आप मैन है चाहे वुमेन है अगर आप ऑयली एक्नोप्रॉन स्किन टाइप है यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट नाउट नाउ टॉकिंग अबाउट द इन्ग्रीडियंट्स इन दिस फेस वॉश सो सबसे पहला और मेन इन्ग्रीडियंट इस प्रोडक्ट में है सैलिसलिक एसिड और मैंने क्यों बोला कि ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट है बिकॉज दिस इज वन परसेंट सैलिसिक एसिड एंड जो मेनली फेस वॉशेज मार्केट में आपको मिलेंगे ना दे आर टू परसेंट सैलिसिक एसिड एंड अगर आप बिगिनर हो सो आई थिंक वन परसेंट सैलिसलिक एसिड वुड बी परफेक्ट फॉर यू टू स्टार्ट विथ एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट इज दैट इट हैज इनकेप्सुलेटेड सैलिसलिक एसिड नाउ वट दैट मीन इज कि इसमें जो सैलिसलिक एसिड है वो प्योर और अनडिस्टर्ब रहेगा इस प्रोडक्ट के अंदर जब तक वो आपकी स्किन को टच ना कर ले एंड एज सुन एज दिस प्रोडक्ट टच इज़ योर स्किन इसका जो सैलिसलिक एसिड है वो एक्टिवेट हो जाता है सो so, जब तक आपकी स्किन को ये प्रोडक्ट टच नहीं कर रहा है इसका सैलिसलिक एसिड बिल्कुल भी अनडिस्टर्ब फॉर्म में है तो इसकी वजह से ये प्रोडक्ट ना काफ़ी ज़्यादा एफिशियंट हो जाता है टू फाइट एक्ने ब्लैक एंड ब्रेकआउट्स एंड एनी वे एसिड इज अ ए जो कि ऑयल सोल्यूबल होता है तो वो आपकी स्किन में डीपली जाता है और अंदर से आपके सारे पोर्स को अनक्लॉक करता है जितनी भी डेड स्किन सीबम जितना भी जमा हो रखा है पोर्स में वो पूरा क्लीन कर देता है एंड आपके पोर्स को अनक्लॉक कर देता है ताकि आपके एक्ने और ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो पाए देन इसमें जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट है दैट इज जीरो पॉइंट टू परसेंट ग्लाइकोलिक एसिड नाउ ग्लाइकोलिक एसिड एक एच ए होता है जो जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है काफी जेंटली और जितना भी डेड स्किन सेल्स जमा हो रखे हैं वो सब रिमूव कर देता है तो आपकी जो स्किन है वो काफी स्मूद और क्लियर हो जाती है नेक्स्ट इट हैज फाइव फ्रूट जो कि अगेन आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है एंड देन दिस प्रोडक्ट एंडेन्स ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट विच इज अ एंटी ऑक्सीडेंट जो कि आपकी स्किन पे फोटो डैमेज रिपेयर करता है एंड साथ ही साथ इट सूद योर स्किन एंड विद ऑल दोज मैजिकल इन्ग्रीडियंट इसमें पेंटाइलिन ग्लाइकोल एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है जो कि आपकी स्किन को सूद काम एंड हाइड्रेट करता है तो जो पोस्ट वॉश ड्राइनेस होती है ना इस फेस वॉश को यूज करके वो नहीं होती सो so, अब बात हो चुकी है सारे क्लेम्स एंड इंग्रेडिएंट्स की तो फटाफट प्राइस की भी बात कर लेते हैं सो दिस रिटेल्स फॉर थ्री ट्वेंटी फाइव रूपीज एंड इट इज हंड्रेड एंड टेन एम तो ये ना फोमिंग फेस वॉश के फॉर्म में है इसके अंदर एक लिक्विड है बट जब आप इसका पंप प्रेस करते हो इसमें से फोम बाहर निकलता है ना वेरी बिग फैन ऑफ फोमिंग फेस वॉशेस क्योंकि बिकॉज आई बिलीव कि वो लिक्विड भी आप अपने हाथ में डाल के मल्सिफाई करोगे तो एनी वेज यू विल गेट द सेम फोम आई एनी

टेस्ट यू नो फेल हो जाए या मुझे उतना समझ में ना आए सो आई जस्ट यूज दिस ऑन इट्स ओन और एंड टॉप अप विद द मॉइस्चराइजर एंड इट वर्कड रियली रियली ग्रेट फॉर माई स्किन एक हफ़्ते से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड मेरे फेस पर नहीं यहाँ पर दो तीन ब्लाइंड पिपल्स हो गए थे लाइक छोटे छोटे यू नो ब्लैक हैड व्हाइट हेड्स टाइप के हो गए थे एंड इसने एक हफ्ते में वो बिल्कुल साफ़ कर दिया एंड एंड माई स्किन फील सुपर सुपर सॉफ्ट आफ्टर आई वॉश माई फेस विद दिस स्किन नाउ हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट इज यू हैव टू पम्प आउट टू टू थ्री पम्प्स इन योर हैंड ऑफ यूज फोम को आप अपने फेस पे डैम स्किन पे अच्छे से मसाज कर लो अबाउट थर्टी टू फोर्टी मिनट्स के लिए एंड देन वॉश इट ऑफ विद वॉटर एंड यू कैन सी देट माई स्किन शोज विजिबल डिफरेंस इंस्टेंटली आफ्टर यूजिंग दिस फेस वॉश एंड आई विन लविंग यूजिंग दिस फेस वॉश रिसेंटली बिकॉज सैलिसलिक एसिड एनी वेज इज ग्रेट पार ऑफ माई स्किन केयर और मैं अपना नाइट टाइम और मॉर्निंग टाइम दोनों ही हूँ मी बिकॉज एक हफ्ते में इसने मुझे जो रिजल्ट दिए ना वो काफी सारे फेस वॉशेस महीनों में भी नहीं दे पाते हैं तो अगर आप बिगिनर हो ना आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गेट यूर हैंड ऑन दिस प्रोडक्ट एंड यू अगर थैंक मी लेटर ऑल द ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप पीपल मस्ट गेट इट राइट नाउ काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है एंड बहुत ज्यादा अफिशियंट है और काफी ज्यादा लंबा टाइम आपको ये लास्ट भी करने वाला है एंड ये है तो ऑल स्किन टाइप के लिए बट ड्राई स्किन के आई वोंट इट दैट मच बिकॉज सैलिसिक एसिड एनी वेज हैज ड्राइंग प्रॉपर्टीज तो ड्राई स्किन के लिए आई वोंट रिकमेंड दिस बट ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप कॉम्बिनेशन स्किन टाइप यू टाइपन आई लव दिस प्रोडक्ट इट सेस कि आप इसको दिन में दो बार यूज़ करो एंड अगर आप ज्यादा ऑयली स्किन हो तो तीन बार भी यूज कर सकते हो आई यूज़ इट twice अ डे एंड इट वर्क ग्रेट फॉर मी बट अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं अभी भी यही रिकमेंड करूंगी कि आप इसको वंस अ डे यूज़ करो आई वुड नॉट से ऑल्टरनेट डेज क्योंकि एनी वेज वन परसेंट ई बस तो काम कर जाएगा यूज इट एवरी नाइट और जैसे जैसे आपकी स्किन को ये अडेप्ट कर जाए देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट अ टवाइस अ डे एंड इट विल वर्क वेरी वेरी गुड फॉर यू सो या दिस इज द आंसर टू ऑल योर ऑयली स्किन प्रॉब्लम्स आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से आंसर किए हु सैलिसलिक एसिड से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट में ड्रॉप कर सकते हो आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट प्लीज हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड नाउ आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दैन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय